Discuss about selection sort. We have various sorting algorithms in design and analysis algorithms. So first algorithm and first sorting we are going to discuss is about selection sort. Okay, so first of all we need to take an array of elements. So this is an array of elements which needs to be sorted. I have taken 5 number of elements in an array: 59 24 11 20 and 10. And we have to perform sorting with the help of selection sort. जब भी हम किसी भी elements की sorting करते हैं, इसका मतलब है हम या तो उसको ascending order में, या तो हम उसको ascending order में sort करेंगे या descending order में sort करते हैं. ठीक है, हम ascending order में generally कोई भी series of elements को sort करते हैं, क्योंकि descending में जो पूरा process होता है वो हमें उल्टा करना पड़ता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि नॉर्मली सॉर्टिंग कैसे होती है, मतलब नॉर्मल प्रोसेस विदाउट एल्गोरिथम कैसे प्रोसेस होती है. ठीक है, तो हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं. ठीक है, हम मान लेंगे कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ हैं जो सॉर्टेड हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू लेंगे वो हम क्या लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे. फर्स्ट वाला हमारा मिन ले लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. ठीक है, कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये एलिमेंट हमारे फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है. अगर छोटा है तो हम इसको मिन बना देंगे. ठीक है, कंपेयर करेंगे, सो मिन क्या हो जाएगा, 24. फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या ये एलिमेंट इससे छोटा है. अगर छोटा है तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे, मतलब 11 को हम मिन बना देंगे. कंपेयर नाउ मिन, हम किसी की स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं, हम बस मिन को अपडेट कर रहे हैं. ठीक है, फिर हम 11 और 20 को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे 11 और 20 में 11 ही छोटा है, तो हमारा मिन क्या रहेगा, 11 ही रहेगा. फिर हम मिन 11 को, जो हमारा 11 है उसको 10 से कंपेयर करेंगे, क्या देखेंगे कि 10 हमारा ज़्यादा छोटा है, तो अब जो मिन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10. अब हमें क्या देखना है, क्या ये जो लास्ट मिनिमम वैल्यू आई है ये हमारे फर्स्ट प्लेस वाले एलिमेंट के से छोटी है. अगर छोटी है तो स्वैप कर दिया जाता है. ठीक है, तो हम इसको स्वैप कर देंगे, मतलब 10 की जगह पे 59 आ जाएगा और 59 की जगह पे 10 आ जाएगा. हमारा सॉल्व होके ये सीरीज़ आ गई, 10 24 11 20 और 59. 24 11 और 20 वैसे ही रहेंगे, बस इन दोनों के आपस में प्लेस एक्सचेंज हुई है. ठीक है, सिमिलरली अब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सॉर्ट हो गया. ठीक, अब हम सेकेंड एलिमेंट को अपना मिन सेट कर देंगे. ठीक है, सेकेंड एलिमेंट को थर्ड से कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या हमारा थर्ड एलिमेंट सेकेंड से छोटा है. अगर छोटा है तो मिन हमारा क्या सेट हो जाएगा, 11. वैसे ही हम मिन 11 और 20 में से देखेंगे कौन सा छोटा है, 11, तो मिन हमारा 11 ही रहेगा. फिर हम 11 और 59 में चेक करेंगे तो मिन क्या हो जाएगा, 11. अब 11 को हम किससे चेंज कर देंगे, 24 से, तो प्लेस चेंज हो जाएगी, 11 इधर आ जाएगा, 24 इधर आ जाएगा. अब हमारे पास जो सॉर्टेड एरे आएगी वो क्या आएगी, 10 11 24 20 59. अब हमारे पास दो एलिमेंट्स ये सॉर्टेड हो गए, दीज आर द सॉर्टेड एलिमेंट्स, और बाकी के तीन अभी भी हमारे अनसॉर्टेड हैं. तो हम फिर से मिनिमम वैल्यू को 24 लेंगे, उसके बाद 20 को से कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कि मिन हमारा क्या है, 20 हो जाएगा. फिर 20 और 59 में कंपेयर करेंगे तो मिन हमारा 20 हो जाएगा. फिर 20 को हम 24 से रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास फाइनली सॉर्टेड आ रही आएगी वो क्या आएगी, 10 11 20 24 और 59. ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस सिलेक्शन सॉर्ट का, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को मिन लेकर सारे एलिमेंट से उसको कंपेयर करते हैं, जहाँ पे सबसे कम मिनिमम मिलता है उससे उस प्लेस को स्वैप कर देते हैं. ठीक है, अपडेटिंग द मिनिमम एंड स्वैपिंग, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट. इसके बाद हम देखेंगे इसकी एल्गोरिदम. इसकी एल्गोरिदम में क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट a, n, मतलब ए क्या है हमारे पास, एरे, और एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो अगर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारे क्वेश्चन में 5 एलिमेंट्स थे. ठीक है, तो हमारे पास जो n है वो क्या है, 5 है. ठीक है, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1. i हमारा इनिशियल में 1 रहेगा
और n माइनस वन क्या होगा, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n माइनस वन, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस वन दैट इज़ 4, मतलब i हमारा या तो 4 बार चलेगा या 4 से कम बार, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, मिन हमारा सेट कर दिया जाएगा i पे, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ i, ठीक है। अगर हम ये एरे देख रहे हैं तो इसमें जो ये वाला एलिमेंट है उसको हम मिन सेट कर देंगे, मिन इक्वल्स टू i, ठीक है। और j क्या हो जाएगा, j इक्वल्स टू i प्लस वन, अगर i हमारा ये है तो i प्लस वन क्या होगा ये, तो j हमारा क्या है 24, i क्या है 59, ठीक है। j इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, j हमारा कब तक चलेगा 5 बार, क्योंकि n हमारा क्या है 5। अब हम चेक करेंगे क्या aj हमारा लेस देन है a मिनिमम के, aj का मतलब है ये 24 एलिमेंट, ठीक है। aj इज़ लेस देन मिनिमम a मिनिमम, हाँ, तो जो है हमें क्या करना है, मिन इक्वल्स टू जे सेट कर देना है। अगर ये एलिमेंट इससे छोटा है तो इसको हम मिन सेट कर देते हैं, यही करते थे हम नॉर्मल प्रोसेस में, ठीक है, मिन सेट कर देंगे। और अगर हमारा ये छोटा, हाँ, और उसके बाद जब हमारा ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे क्या मिनिमम हमारा आई के बराबर है, जब हमारा ये फाइनल वैल्यू मिनिमम की आ जाती है 10 इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद, तो हम क्या चेक करते हैं कि क्या ये वाला एलिमेंट हमारा इसके बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 10 हमारा मिनिमम आएगा यहाँ पे और हम स्टार्टिंग में लेके चले थे 59, तो बराबर नहीं है तो स्वैपिंग कर दी जाएगी। ऐसे ही करके हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं इसका, जैसे नॉर्मल एल्गोरिदम में करते थे, बस इसमें हम आई इसको लेके चलेंगे, जे इसको लेके चलेंगे, ठीक है, और ए जे और ए आई की प्लेस को हम चेक करते जाएंगे, या ए मिनिमम की प्लेस को हम चेक करते जाएंगे और स्वैपिंग कर देंगे, ठीक है। अब हमको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालनी होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे तो क्या है कि इसके केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मान लो कि हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कंपैरिजन कितनी बार हो रहा है, अगर हम 5 एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं तो ये इससे कंपेयर कर रहा है, फिर ये इससे कंपेयर कर रहा है, फिर ये इससे कंपेयर कर रहा है, फिर ये इससे कंपेयर कर रहा है, नंबर ऑफ कंपैरिजन्स कितने हैं, 4 कंपैरिजन्स हैं। अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 5 है तो कंपैरिजन्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जब 4 एलिमेंट्स बचते हैं तो कंपैरिजन कितने होते हैं, 1 2 3 कंपैरिजन होते हैं। तो अगर हम देखें तो n एलिमेंट्स पे हमारे n माइनस वन कंपैरिजन हो रहे हैं, फिर n माइनस टू कंपैरिजन हो रहे हैं, फिर n माइनस थ्री कंपैरिजन हो रहे हैं, ऐसे करके हमारा पास वन में n माइनस वन कंपैरिजन, पास टू में n यहाँ पे देखें अगर पास वन में n माइनस वन कंपैरिजन, पास टू में n माइनस टू कंपैरिजन, फिर n माइनस थ्री कंपैरिजन, तो ऐसे करके हमारा पूरा सॉल्व हुआ है। तो हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो n माइनस वन प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस थ्री सॉरी ये एक तक जाएगा, ठीक है। तो इसका समेशन का सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन की सीरीज़ का फॉर्मूला होता है n n माइनस वन बाई टू। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n बाई टू, हम देखते हैं कि जिसका मैक्स कोफिशियंट होता है वही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आता है, तो क्या आएगा, बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। अब इस केस में जो वर्स्ट केस है, बेस्ट केस है और एवरेज केस है, तीनों ही केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी सेम आएगी, क्योंकि कंपैरिजन्स हमारे उतने ही होंगे। मतलब कि अगर हमारी वर्स्ट केस की सीरीज़ है, चाहे एवरेज केस की सीरीज़ है, चाहे बेस्ट केस की सीरीज़ है, कंपेयर वो हर एलिमेंट को करेगा मिन के लिए, ठीक है, मिन हर बार उसके लिए अपडेट होगा। बेस्ट केस की अगर हम सीरीज़ लेते हैं तो मान लेते हैं कि बेस्ट केस की सीरीज़ है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, यही होता है बेस्ट केस। तो अगर ऑलरेडी सॉर्टेड एरे भी है फिर भी जो मिनिमम स्टार्टिंग में जो हम मिनिमम लेके चलेंगे वो यही होगा, उसके बाद हम मिन को अपडेट करेंगे, जब लास्ट ये एलिमेंट चेक करेंगे कि बड़ा है या नहीं, फिर स्वैपिंग करेंगे या नहीं करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन कंपैरिजन और पूरा प्रोसेस हमारा वैसे ही चल रहा है। तो इस एल्गोरिथम में वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस तीनों की ही जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सेम होगी, दैट इज़ बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर।
अब अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है हमारा इनपुट वेरिएबल्स प्लस ऑक्सिलरी स्पेस या टेम्प्रेरी वेरिएबल्स। तो इनपुट वेरिएबल्स को तो हम हमेशा कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, लेकिन जो टेम्प्रेरी वेरिएबल्स होते हैं या जो ऑक्सिलरी स्पेस होती है वो हम एल्गोरिदम में देखते हैं कि हमने कौन सा कोई टेम्प्रेरी वेरिएबल यूज़ किया है। तो इस एल्गोरिदम में हमने टेम्प्रेरी वेरिएबल यूज़ किया है मिन, सिर्फ एक हमने टेम्प्रेरी वेरिएबल यूज़ किया है दैट इज़ मिन। तो उसके लिए सीधे सीधे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी वो बिग ओ ऑफ एन वन हो जाएगी, क्योंकि चाहे एक एलिमेंट हमने लिया हो चाहे ज़ीरो लिया हो, लेकिन हम कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी को वन से कम असाइन नहीं कर सकते। किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी स्पेस के लिए हमें वन यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम में नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप मैंने आप लोगों को जो है सेलेक्शन सॉर्ट का नॉर्मल प्रोसेस कैसे होता है, उसके बाद एल्गोरिदम उसकी कैसे रन होती है, एग्जांपल्स पे कैसे रन होती है, और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, थैंक यू।